त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय भी भगवान राम को शक्ति देने का काम पराम्बा देवी भगवती जगदम्बा ने किया था, और अब कलयुग में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है उस समय भी मंदिर की नींव को मजबूती देने का काम वहीं भगवती की ओर से हो रहा है। राम मंदिर की नींव में 4 लाख घनफुट से ज्यादा पत्थर विंध्याचल की पहाड़ियों से आएगा, मिर्जापुर के पहाड़ों से, और उस पर्वत श्रृंखला के पर्वत पत्थरों की खासियत यह है कि वो पत्थर न केवल मजबूती में बेमिसाल हैं, बल्कि सैकड़ों सालों तक मंदिर की नींव अक्षुण्ण रहेगी। विशेषज्ञों का भी कहना है, और मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट यानी आशीष चंद्रकांत भाई सोमपुरा, उनका भी कहना है कि ये पत्थर मंदिर की नींव को सैकड़ों सालों तक मजबूत बनाए रखेंगे। जबकि राजस्थान के भरतपुर से बंसी पहाड़पुर के पहाड़ के जो पत्थर हैं, बलवा गुलाबी पत्थर, उनसे ऊपर का काम होगा, यानी वैसा ही कि तुम बनो गुंबद महल के नींव का पत्थर कब बनूं मैं। और ये मिर्जापुर की पहाड़ियों के यानी विंध्य पर्वत की पहाड़ियों के पत्थरों की खासियत है। ये कहा जा रहा है कि उसे मिर्जापुर से अयोध्या तक ढुलाई का काम भी आसान होगा, और साथ ही वो इस आबो हवा में रचे बसे हैं इसलिए वो अनुकूल होगी अयोध्या के, यानी मंदिर का निर्माण जैसा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने क्लियर कर दिया है, यानी ऐलान कर दिया है कि मकर संक्रांति से 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और बस डेडलाइन तय की गई है 2023 के अंत तक। 2024 में आम चुनाव है, उससे पहले मंदिर निर्माण पूरा होना है। विशेषज्ञों का कहना है कि जो समय लगेगा वो नींव और पहली मंजिल तक लगेगा, उसके बाद तो चीजें धड़ाधड़ आगे बढ़ती जाएंगी। तो देखते हैं कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि 15 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद ने भी मंदिर निर्माण के लिए जन सहयोग, जन जागरण, श्रीराम कोष, उसके संग्रह की का अभियान छेड़ने का फैसला किया है, और ऐसे में वो लाखों गांव तक, करोड़ों परिवारों तक और लगभग 65 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। बस अब नींव का काम शुरू ही होने वाला है अगले कुछ दिनों में, और इसके साथ ही देखते देखते आपको भी लगेगा कि राम मंदिर निर्माण पूरा हो गया। संजय शर्मा, यूपी तक के लिए।